कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा का क्या परिभाषा है और आपदा कितने प्रकार का होता है। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। तो देखिए, आपदा का सामान्य अर्थ में मतलब होता है संकट। तो देखिए, आपदा का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि आपदा एक मानव जनित या प्राकृतिक संकट होता है। आपदा क्या होता है? तो आपदा एक मानव जनित यानी कि मानव द्वारा तैयार किया गया या प्राकृतिक द्वारा यानी कि जो भगवान द्वारा तैयार किया गया संकट होता है, जिससे एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, जिससे मानव या जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं और आपदा आता है तो क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र। कहने का मतलब कि एक मान लीजिए शहर हो गया या एक पूरा बड़ा इलाका हो गया, इस तरह से बड़ा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र नहीं। जैसे कि मान लीजिए छोटा क्षेत्र में हो गया, गांव हो गया, टोला मोहल्ला हो गया, तो इसमें कोई संकट आता है तो इसे आपदा नहीं कहा जाता है। जब कोई बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, तो इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे आपदा कहते हैं। तो और इसका आगे परिभाषा है, तथा भारी जान माल की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। तो एक बार फिर से इस परिभाषा को देख लीजिए कि आपदा एक मानव जनित या प्राकृतिक संकट होता है, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, जिससे मानव या जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं तथा भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है। देखिए, आपदा आता है तो क्या होता है कि यह भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, सभी लोग संकट में आ जाते हैं जहां पर आपदा आता है, चाहे वह मानव हो या जीव जंतु हो, वहां के संकट में आ जाता है। जैसे मैं कल्पना कीजिए कि कहीं पर बाढ़ आया हो, तो जहां पर बाढ़ आता है जिस क्षेत्र में वहां के सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो मानव हो या जीव जंतु हो, और वहां पर जान माल के भी हानि होते हैं। इससे कहने का मतलब यह हुआ कि वहां पर लोग भी मरते हैं, जीव जंतु भी मरते हैं और भारी मात्रा में रुपया पैसा ये सब बर्बाद होता है। कैसे बर्बाद होता है? तो घर जो होता है वह ढह जाता है, अनाज बह जाता है, खेत खलिहान का फसल बर्बाद हो जाता है, इस तरह से धन का भी हानि होता है। तो ऐसा संकट आए जिससे एक बड़े क्षेत्र में धन जन की हानि हो और बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो, बड़ा क्षेत्र संकट में पड़ जाए, उसे आपदा कहते हैं। और आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव जनित आपदा, यानी कि ऐसा आपदा जो मानव द्वारा आया हो। जैसे मैं मान लीजिए कि आग लग गया, कहीं केमिकल का रिसाव हो गया यानी कि रासायनिक संकट हो गया, तो यह सब जो आपदा है मानव जनित आपदा है, क्योंकि यह मानव के गलती के कारण हुआ है। तो जो आपदा या जो संकट मानव के गलती के कारण होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा, यानी कि जो आपदा प्रकृति द्वारा होता है, भगवान द्वारा होता है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं रहता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में मान लीजिए प्राकृतिक आपदा में आ गया, जैसे में मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या सुनामी आ गया या ज्वालामुखी फट गया, यह सब जो भी है, या भूस्खलन हो गया, यह सब किस में आता है? तो यह सब प्राकृतिक आपदा में आता है। तो इस वीडियो में आप लोग जान गए क्या कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा कितने प्रकार का होता है। तो आपदा दो प्रकार का होता है और आपदा के भी बारे में आप लोग जान गए अच्छे से। एक लाइन में जान लीजिए, जब कोई बड़े क्षेत्र में कोई संकट आता है और जिससे वहां के लोग जीव जंतु प्रभावित होते हैं, वहां पर धन जन की हानि होती है, तो उसे आपदा कहते हैं।